सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो एक रिक्वेस्ट वीडियो है। एंड आज हम बात करेंगे कि 3 to 7 ईयर के बच्चे को, अगर बच्चा किसी और बच्चे को हिट करता है या खुद को हिट करता है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो मैं टिप्स दे रही हूँ वो एक कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये एक जनरल पेरेंटिंग टिप है। अगर बच्चे को कोई भी ऐसा इश्यू है तो प्लीज आप प्रोफेशनल की, नजदीकी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। जैसे किसी का कमेंट था कि बच्चे की एज है 5 ईयर एंड बच्चा खुद को या दूसरे को हिट करता है, तो चलिए आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो पहले हमको बेसिकली देखना है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, राइट। दूसरा है वो है सेल्फ स्टिमिंग बिहेवियर। मैंने एक वीडियो बनाया है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर पे, प्लीज आप एक बार उसको चेक कीजिएगा। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ, आई होप वो आपके लिए यूजफुल हो। बच्चा और बच्चे को हिट कर रहा है तो जो दूसरे बच्चे को हिट कर रहा है, पहले तो आप उसको उस प्लेस से दूर कर दीजिए ताकि उसके लिए वो सेफ हो। तो बच्चा अगर खुद को हिट कर रहा है या दूसरे बच्चे को, तो आप उसको उस एनवायरमेंट से थोड़ा अलग कर सकते हैं एंड उसको थोड़ा काम बनाने के लिए थोड़े दूसरी जगह पे आप ले जा सकते हैं। दूसरा कि जब बच्चा थोड़ा शांत हो रहा हो, राइट, जब उसने उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया हो, तब आप उसको समझा सकते हो कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप वर्ड का यूज कीजिए, राइट। जनरली आप जैसे आप उसको आइडियाज भी दे सकते हो, जैसे कि आपको कौन सी चीज से गुस्सा आ रहा है, राइट। तो आप वो चीज मुंह से आप एक्सप्लेन कीजिए, वर्ड से ना कि एक्शन से। तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी बच्चे को सिखा सकते हैं। आप बोल सकते हो कि आई अंडरस्टैंड, कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इससे गुस्सा आता हो, पर इसका सॉल्यूशन हीटिंग नहीं है। दूसरा और एक चीज आप कर सकते हो, बच्चे को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा सकते हो। जैसे कि आप उसको बोल सकते हो जब आप गुस्सा आता हो तो आप काउंटिंग कीजिए या डीप ब्रीथिंग कीजिए, कि तो उस टाइम का आप बच्चे को थोड़ा सिखा सकते हो। और हो सकता है तो आप खुद भी उसके साथ कर सकते हो कि चलो हम दोनों साथ में डीप ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसा कुछ। जब बच्चा कोई टीवी देख रहा है या तो आप उसको स्टोरी सुना रहे हो, स्पेशली इमेजेस वाली, तो आप कोई रोल मॉडल रख सकते हो एंड उसके एग्जाम्पल से आप उसको सिखा सकते हो कि इसको भी ऐसी सिचुएशन थी, उसको भी गुस्सा आया पर उसने हीट नहीं किया, उस टाइप का। तो आप उसको एग्जाम्पल देखे भी समझा सकते हो एंड बच्चे उस चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो बच्चा अगर थोड़ा भी परफॉर्म कर रहा है तो प्लीज आप उसको प्रेज कीजिए कि गुड जॉब, इस बार आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया एंड आपने किसी को मारा नहीं, तो वेरी नाइस। उस तरीके से आप उसको रिइंफोर्समेंट दीजिए। अगर बच्चे ने एक बार नहीं किया ऐसा, जैसे बच्चे ने वो चीज फॉलो की, तो आप उसको बोल सकते हो चलिए मैं आज आपका फेवरेट डिनर बना रही हूँ या मैं आपको ये खिला रही हूँ, उस टाइप का कुछ, मैं आपको पार्क में ले जा रही हूँ, राइट। सो उसको मोटिवेट कीजिए कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको हीटिंग नहीं करना है। बच्चा का गुस्सा आता है तो जब भी आप उसको बोलते हो तो उसको बोल सकते हो कि आपका ये बिहेवियर अच्छा नहीं था, ना कि बच्चा अच्छा नहीं है। आप उसको नेगेटिव मत बोलिए कि आप अच्छे नहीं हो या आप बुरे हो या आप सबको मारते हो। आप बोल सकते हो पर्टिकुलर सिचुएशन के, इस सिचुएशन में आपने जो ये आपका बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, वो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, उसको डाइवर्ट कर सकते हो। जब लगता है कि बच्चे को थोड़ा गुस्सा आना शुरू करता है और वो अभी हीट करेगा, उससे पहले ही आप उसको कोई ऐसी एक्टिविटी में डाइवर्ट कर दीजिए, जैसे कि बच्चे को पर्टिकुलर कोई प्ले पसंद है या कोई पर्टिकुलर कोई फूड पसंद है, तो आप उस ऑन द स्पॉट आप उसको कोई ऐसी चीज दे दीजिए कि जिसमें उसको अच्छा लगता हो। इस तरीके से आप उसको रिडायरेक्ट या डाइवर्ट कर सकते हो। बच्चा ज्यादा हाइपर हो रहा है, ज्यादा एंग्जियस हो रहा है, इस बार आप नोट कीजिए कि आज उसने थोड़ा शुगर ज्यादा तो नहीं ले लिया, तो उस टाइम के लिए आप उसको थोड़ा शुगर कम दीजिए। या स्क्रीन टाइम से भी बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं बच्चों को, तो वो दोनों चीज पे भी आप एक बार देखिए कि उसकी वजह से तो कहीं ये नहीं हो रहा है। चीज कर सकते हो कि जब बच्चा ने हीटिंग किया, खुद को डैमेज किया या तो आप उसको बोल सकते हो कि अब आपको ये चीज सुधारनी है, आपको सॉरी बोलना है, या अगर खुद से उसने कुछ हीट किया और कुछ चीज को नुकसान पहुंचाया तो आप बोल सकते हो कि नाउ वी हैव टू फिक्स इट,
राइट, पर्टिकुलर कोई टॉय को उसने अगर वो किया होता, उस तरीके से आप उसको छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हो. तो इस तरीके से आप बच्चे को हेल्प कर सकते हो. एंड यस, 5 साल का बच्चा सुनता है एंड समझने की कोशिश भी करता है. तो इस तरीके से पॉजिटिव पेरेंटिंग से आप बच्चे को हेल्प कर सकते हो. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो. थैंक यू सो मच.